चेस्टमा कहे कि हम बाहर आओ, लेकिन तुम कहोगे ना बेटा लाल रंग का बटन उसको दबाइए, बगल में घंटा उसको बजाइए, ले फिर आ गए। जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि चेस्ट को कैसे बनाए। देखिए बहुत से लोग हैं कि जिनका चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जब वर्कआउट करेंगे तब तो ग्रो होगा। जिम में जाके लोग कहते हैं मशीन मार, चले जाते हैं घर और टाइम पास करके कुछ उसमें चैटिंग में भी बिजी हो जाते हैं, देखते हैं फेसबुक कितना लाइक आया है, कितना ड्रामा हुआ है, इससे चक्कर में वर्कआउट मन लगा के कर नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात बॉडी वेट एक्सरसाइज नहीं करते हो। अगर आप जब तक अपने बॉडी का वेट नहीं उठा रहे हो, डायरेक्ट मशीन पर चले जा रहे हो, 5 किलो आप मार रहे हो रॉड लेके, आपका बॉडी के वेट 50 किलो है, बॉडी के वेट उठाओगे तो ऑटोमेटिक 50 उठेगा, और अगर मशीन उठाओगे तो उसमें एडजस्ट करोगे, पहले 10 लगाओगे फिर 15 लगाओगे, आपको 50 जाते जाते ना साल बीत जाएगा, आपको ग्रो नहीं हो पाएगा। तो पहली काम का करना है आपको, उसमें करना चाहिए आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। 3 एक्सरसाइज है जो आप कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी चेस्ट ग्रो होगी, ऑटोमेटिक ग्रो होने लगेगी बिना कोई दिक्कत के। लेकिन क्या है ना, तुम शेर हो, अपने आप को तुम झंड समझते हो, शेरों की तरह वर्कआउट करो और मोटिवेशन यहाँ पे रखो और फाड़ के रख दो, तो 5 मिनट टाइम लगेगा, बिना किसी एंड बन के शुरू करते हैं, लेट्स गो। अगर आप वार्म अप कर लिए तो गौरव भाई रेडी हो, गौरव भाई रेडी है तो हम लोग पहली एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, देखो बहुत सारा चेस्ट वर्कआउट होने बता दिया, लेकिन अगर आपकी ग्रो नहीं हो तो ये ट्राई करो, 100% ग्रो होगा। चलो बैठ जाओ। 3 हीट ले लिए हम लोग, 3 हीट ऐसे एक तरफ रख लिए हैं, और 3 हीट पे एक हाथ रख लेंगे और एक हाथ जमीन हो जाएगा जैसे गवर्नर ने किया है इस तरीके से। तो इसमें क्या है, नीचे जा रहे हैं, पूरा नीचे जाओ गवर्नर और पूरा ऊपर आओ। आप देखेंगे कि एक तरफ की जो चेस्ट है वो आपकी ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, उस पर ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, ज्यादा लोड पड़ा, दबाव हुल के पड़ रहा है, ससुरी ग्रो हो जाएगी। तो अगर आपको 10 करना है ना तो 5 इस तरफ से 5 उस तरफ से, 10 ही मार के भाग मत जाना, नहीं तो एक तरफ इम्बैलेंस हो जाएगी। कितना होगा गवर्नर? 7। तो उस तरफ भी 7 करो, तो आप 7 इस तरफ करेंगे 7 उस तरफ, ताकि बैलेंस बन जाए और दोनों चेस्ट ऐसे धड़ाक से निकाल के सारा शेर की तरफ बाहर आ जाए, फाड़ के बाहर आ जाए। करना क्या है आपको, सिलो करना है, कंट्रोल करना है, और ज़्यादा एक्टिंग में खूब तेज करो गवर्नर एक बार। तो ये ड्रामेबाजी अगर आप हवा में करेंगे तो आप हवा की तरह उड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सिलो फिर ऊपर, सिलो फिर ऊपर। अगर आप 4 सेट इसके कर रहे हैं ना डेली, तो आप देखेंगे आपकी चेस्ट इतनी भयानक निकल रही है कि आप कहेंगे कि वाह भगवान मजा आया, गुरु एकदम फाड़ दिया। क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो रही है, स्क्रीच ज़्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, और देखेंगे कि आपका जो माइंड है ना आपका चेस्टवा हो जाएगा। 2 नंबर जो एक्सरसाइज है, ईंट ले लो, 2 ईंट ले लो, और ज़्यादा दूरी पर नहीं रखना, नज़दीक रख लो, और एकदम सटा भी मत देना, सटाना नहीं है, थोड़ा सा इतना गैप होगा। हाथों को जैसे गोने रखना है, गोने कैसे रख रहे हो, उठा के एक बार रख दो ऐसे, इस तरफ से, मतलब इस तरफ से होगा, ताकि आपकी चेस्ट जो है ना एकदम उभर के बाहर आ जाए। बवाल एक्सरसाइज है। चलो नीचे जाओ, जाओ चलो लेट्स गो। तो आप एक चीज ये ध्यान रखो भैया कि आपका जो हाथ है, नीचे जाओ, हाथ है जो ना एकदम सेटल नहीं चाहिए बैक में, थोड़ा ओपन होगा, जब आप नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा ओपन होगा हाथ, थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा, तब जो चेस्ट है वो उभर के बाहर आएगी। एक चीज इसमें लोअर चेस्ट हुआ, अपर चेस्ट हुआ, और जो बीच की लाइनियां नहीं होती चेस्ट की एकदम तगड़ी लाइन जिससे लगता है कि जिसमें मरी वाली, देखो ई लाइनियां, ये भी निकलेगा इससे। तो आप 4 सेट करें, 10 से 12 सिलो, मेन चीज भैया सिलो। अगर गुरु तुम सिलो कर रहे हो देखेंगे आपको बहुत ही फायदा होगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, वैसे बैठिए क्या उखाड़ रहे हो, मेहनत कर लो, मजा आ जाएगा, पर्सनैलिटी बन जाएगी, चेस्ट पर निकल जाएगा, बवाल मचाओगे, आर पार करके रख दोगे। 4 सेट करना है रिलैक्स कर दो। जो सर की एक्सरसाइज करें सबसे खतरनाक एक्सरसाइज है, क्लोज ग्रिप करें, 2 ईंट लेकर उनकी शादी करा दो। गवर्नर भैया पंडित जी हैं, ये वैसे भी शादी करवाते रहते हैं, ब्राह्मण देवता हैं। शादी कैसे करवाया, मुंह एकदम सटा दिया, जो पीछे का साइड है उसको खोल दिया, मतलब ई तरीका होगा ईट का, और उसमें क्या देखेंगे आप, एक अलग एंगल बन गया जिससे आपकी चेस्ट जो हो तो टारगेट हो जाएगी। जब भी हम लोग सीधा सीधा करते हैं, डाउन पुशअप मारते हैं, तो हमारे ट्राइसेप पर ज्यादा आता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे चेस्ट पर ज्यादा आएगा। नीचे जा रहे हैं, चेस्टवा जो है टच करो इटवा में, चेस्टवा टच करो इटवा में, फिर ऊपर जाके तान दे रहे हैं पूरी चेस्ट को, नीचे जाओ ऊपर जाके तान दो, आप देखेंगे इतना भयानक ब्लड फ्लो होगा ना, आप कहेंगे सर चेस्टवा फट के बाहर नहीं आ जाए, फटेगी नहीं टेंशन मत लो, लेकिन एकदम फूल जाएगी, आर पार तरीके टी शर्ट पहनोगे ना, चेस्टवा कहेगी हम बाहर आओ, लेकिन तुम कहोगे ना बेटा अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया। तो इसको आप 3 से 4 सेट कर सकते हो मेरे भाई। एक सबसे बड़ी बात देखो, अब मजाक अपनी जगह, लेकिन जितना आप कोशिश करो फॉर्म टेक्निक पे ध्यान दो और तरीके पे ध्यान दो, उतना आपको फायदा होगा एक्सरसाइज में। अगर आप जल्दी में हैं कहीं भागना तो एक्सरसाइज मत करो, अगर आपको टाइम देना है तब एक्सरसाइज करो, जब आप एक्सरसाइज को टाइम दोगे वो आपको रिजल्ट देगा। तो सही फॉर्म टेक्निक और पूरे माइंडसेट के साथ जाओ, जिम में जा रहे हो दरवाजा खोलो तो लगे कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आर पार कर रख देंगे, ग्राउंड में जाओ ऐसा लगे कि आज फाड़ के रख देंगे, आज ग्राउंड बोलेगा कि यार कोई शेर आया है हमारे ग्राउंड में, है कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात संतोष भाई, जो भी काम करें मन लगा करें, अगर मन नहीं लगाएंगे तो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर कि वो कोई भी क्षेत्र हो मन लगाना ही पड़ता है। अगर वीडियो
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे खांसे खांसे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। सब्सक्राइब कैसे करें? वो घंटी रहता है लाल रंग का बटन, उसको दबाइए, बगल में घंटा उसको बजाइए, आर पार करके घर जाइए। जय हिंद।